हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर ख़रीदा था, थर्मोमीटर। उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इसको मैंने अमेजन से ख़रीदा है और ये HTC का है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानते हैं, और इसको लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा वो भी जानते हैं। दोस्तों, इसको मैंने परचेज़ किया क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस कूलर का कूलिंग टेस्ट करके दिखाइए। तो मेरे पास अभी तक कुछ था नहीं कूलिंग टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसको मैंने परचेज़ किया है। ये बिल है परचेज़ करने का। अब इसका बॉक्स में हमको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, छोटा सा, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसको कैसे यूज करना है और वार्निंग वगैरह, सेफ्टी स्टेटमेंट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या क्या है, तो सब मैं बताता हूँ अभी देख के आपको। उसके अलावा इसमें हमको ये टेम्परेचर मीटर मिलता है। तो दोस्तों, इसमें तो बैटरी लगी हुई आई है, तो हमको ये कवर खोलना होता है। ये देखिए, बैटरी इसमें लगी हुई आई थी, हो सकता है आपके पास जो है उसमें आपको लगाना पड़े, तो सबसे पहले बैटरी लगा के इसको वो कर देंगे। फिर ये ऑटोमेटिक ऑन है, जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। देखिए, आपको शायद डिस्प्ले दिख रहा हो, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके सारे फीचर्स आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और इसको मैंने कूलर कितनी कूलिंग कर रहा है वो नापने के लिए लिया था, पर वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, उसके पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ही बना रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, अब अगर आप देखो यहां पे ये जो H बना हुआ है, इसका मतलब डाटा होल्ड इंडिकेटर है। जब हम स्विच को दबाने के बाद जो टेम्परेचर हमारा सामने का होता है उसको होल्ड करना चाहते हैं तो छोड़ देंगे तो H आ जाता है, और जितना टेम्परेचर नापा हुआ था वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है। और उसके नीचे जो ये E=0.95 लिखा हुआ है, ये रेडियंस का डिस्प्ले है। और ये जो आप रेड कलर का देख सकते हैं, रेड कलर का ये डिस्प्ले बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर पे लेज़र दिखा रहा है, ये सिंबल दिखा रहा होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, 24.9 डिग्री सी टेम्परेचर दिखा रहा है, और मैक्सिमम ये जो दीवार का टेम्परेचर गया है वो 24.9 डिग्री है। अभी देखिए 25 डिग्री सी हो गया है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में डेटा है। और उसके अलावा इसमें हमको टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा उसका भी अलार्म मिलता है, और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसका भी अलार्म मिलता है। अब जैसे देखो, इसका जब स्विच दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिक ऑफ का भी फीचर मिलता है। और इधर जो ये वाईफाई का सिग्नल बना हुआ है, ये हमको दर्शाता है कि ये लेज़र जो है इस समय मीजर कर रहा है, तो ये मीजरिंग इंडिकेटर है। उसके अलावा इसमें हमको लो बैटरी इंडिकेटर मिलता है, सेंटीग्रेड यूनिट भी मिलती है, फारेनहाइट डिग्री यूनिट, आप सेल्सियस से फारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टेम्परेचर जो नापता है, जैसे मैंने आप देख सकते हैं वहाँ पे डाला है पेड़ के ऊपर लेज़र का इंडिकेटर, तो ये 24.3 डिग्री सी टेम्परेचर दिखा रहा है। और ऊपर इधर दीवार पे आते हैं तो यहाँ ये 24.5 डिग्री सी हो गया, उधर फ़ोन पे अगर पॉइंट करते हैं तो 24.3 डिग्री सी हो गया, और बॉक्स जो है अगर उस पे पॉइंट करते हैं तो 24.6 डिग्री सी टेम्परेचर है। और अगर मैं अपने हाथ पे पॉइंट करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस समय 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 31.3 सेंटीग्रेड, 4-5 बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये 31.5 डिग्री से मेरी बॉडी का टेम्परेचर इसमें है। और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर इसकी रेंज लिखी हुई है कि ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक
टेम्परेचर को मीजर कर सकता है। और अगर मैं आपको फारेनहाइट में बताऊं तो ये -22 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 1022 डिग्री फारेनहाइट तक के टेम्परेचर को मीजर कर सकता है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो तीन स्विच बने हुए हैं ये बैकलाइट ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको अप का एरो मिलता है और ये लेजर का है, इसके ऊपर डाउन का सिंबल मिलता हुआ है, बीच में मोड है। तो दोस्तों अगर हम इसका जो डिग्री सी टेम्परेचर है इसको चेंज करना हो फारेनहाइट में तो हम मोड को 2 सेकंड तक दबाए रखेंगे, उसके बाद हम इसकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 300 टेम्परेचर है, उसको मुझे नहीं चेंज करना है। हाई लो अलार्म, ये -50 डिग्री टेम्परेचर, ये भी नहीं चेंज करना है। रेडियंस को भी नहीं चेंज करना है, इसको हमको टेम्परेचर चेंज करना है। तो जब डिग्री सी ब्लिंक कर रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मुझे डाउन आना है तो ये दबा दिए, ये हमारा टेम्परेचर जो है डिग्री फारेनहाइट में सेट हो गया है। अब मैं अगर ये ट्रिगर का स्विच दबा दूं या फिर मोड फिर से दबा दूं थोड़ी 2 सेकंड के लिए तो मैं सेटिंग से एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैं ट्रिगर का बटन दबाता हूं, ये देखिए मैंने दबा दिया, अब ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री एफ में बता रहा है, डिग्री फारेनहाइट में बता रहा है। तो इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने चेंज कर दिया है। इधर एरो बने हुए हैं अप डाउन का, आप उनको प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से सेटिंग से बाहर जा रहा हूँ तो मैं बाहर हो जाता हूँ। और ये लेज़र के सिंबल बना हुआ है, अगर हम इस पर पॉइंट करेंगे तो ये इधर ये जो लेज़र का सिंबल दिखा रहा है ये बंद हो जाता है, इसको दबाने पर ये बंद हो जाता है। देखिए मैं अब दबा भी रहा हूँ तो लेज़र जो है लेज़र लाइट वो शो नहीं कर रही है, इसका यही है कि वो लेज़र लाइट को बंद कर देता है, शो नहीं कर रहा है। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ और ये बैक लाइट का ऑप्शन है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी, इस पर फिर से प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगी। इसमें लो बैटरी का इंडिकेटर भी मिलता है, अलार्म तो मिलता ही है, यहाँ पर कोने में बैटरी जलती है जब हम इसको ऑन करेंगे तब। तो आप देखिए जैसे ये यहाँ पर ये आया अभी हट गया, तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है 1 सेकंड के लिए, अगर आप देखें तो लो बैटरी का इंडिकेटर भी आता है। लो बैटरी क्या, बैटरी का इंडिकेटर आता है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैटरी कितनी बची हुई है। तो अभी जैसे इसमें मेरे लेज़र गन में दिखाया तो इसकी बैटरी लो है। और अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेसी की कि ये कितना एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड के एरर के साथ आता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर इसमें आ सकता है। और 0 डिग्री से लेकर 550 डिग्री सी तक 1.5 ± 1.5% +2 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर इसमें आ सकता है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, इससे आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है और आपको उसका टेम्परेचर भी पता चल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर देख रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अच्छा है, ईजी टू यूज है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने इसको 1300 रुपये में ख़रीदा है और अच्छी रेटिंग के साथ जो सबसे सस्ता इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो यही है, मुझे तो यही मिला। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप सस्ते में कोई देखना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, मुझे 1300 रुपये में मिला है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।